मुझे आपको सच बताना है। रजनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। Go from here. Yes, पापा, I will go. पर मुझे मैम से कुछ बात करनी है। मैम, मैं यादी को मेरे घर पे लेके गई थी। ये तो अभी नहीं रहता। मैंने इसे फोर्स किया था आने के लिए। हम लोग एक एक्शन फिल्म देख रहे थे। हमें नहीं पता था कि उसमें कुछ रॉन्ग है। हम प्राइक ही नहीं कर रहे थे। हम तो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर रहे थे। आदि की कोई गलती नहीं है मैम। और आदि कह रहा था कि वो मेरे पापा से बहुत डरता है और वो मेरे घर पे नहीं आएगा। तो मैंने इससे कहा पापा घर पे नहीं है तो ही आया, वरना ये नहीं आ रहा था। पापा, अंकल, आंटी, प्लीज बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ। आदि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। इनफैक्ट दिल्ली में उससे अच्छा मेरा और कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगा साइंस प्रोजेक्ट करने में। पापा, मैं आदि के घर भी गई थी। इसकी मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। मैम, प्लीज आप आदि को पनिश मत कीजिए। अगर आदि की मिस्टेक है तो मेरी भी मिस्टेक है। अगर आप आदि को सस्पेंड करोगे तो आपको मुझे भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब तो मेरी वजह से हुआ है ना। मैंने इसको फोर्स किया था। प्लीज मैम, आप आदि को सस्पेंड मत कीजिए। उसकी कोई गलती नहीं है। What rubbish, honey. क्या बकवास कर रही हो तुम इन लोगों के सामने? जाओ यहाँ से। रुकिए मिस्टर जाखड़। विनी, तुम बताओ। Hey, मैम। मैम, अगर आदि अपने बॉयज फ्रेंड्स के साथ जाता फिल्म देखने तो आप उसे सस्पेंड नहीं करती, उसे वार्निंग देती और छोड़ देती। जस्ट बिकॉज मैं एक गर्ल हूँ, इसलिए इतना इशू हुआ ना। मैम, मुझे एक्शन फिल्म बहुत पसंद है। मैंने मेरे कजन बहन से भी पूछा था, उन्होंने कहा था इट्स अ गुड फिल्म, इसलिए हम लोग ने देखा। हम लोग को सच्ची में नहीं पता था। I'm really touched. अपने दोस्त के लिए ऐसे यहाँ आकर तुम खड़ी हुई हो, अपने पापा के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ, बहुत बड़ी बात है ये। रियली एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे गलत तरह से बिहेव किया था पहले। सच में आज विनी ने हमें कुछ सिखा दिया। हम बड़े हमेशा बच्चों को सिखाते हैं ना, लेकिन विनी ने सिखाया कि हमें अपने रिलेशनशिप्स पे हमेशा शक नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को दोस्त बनाने देना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि हम उनके उनके दोस्तों को हमेशा जज करते रहें। हम कौन होते तय करने वाले कि दोस्त अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तो वक्त बताएगा ना। मिस्टर झाकर, आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पे। इतनी ऑनेस्ट बच्ची है, सबके अगेंस्ट खड़ी हुई है। गट्स चाहिए सच बोलने के लिए भी। कम से कम ये अपने से बड़ों पर तो नहीं गई है जो अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करते हैं। बहुत हटकर है ये बच्ची। एंड देखिए, गलतियां ना सब करते हैं। फिल्म एक्शन हो या कोई और, अगर वो फिल्म बच्चों के लिए नहीं है तो नहीं है, उसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए। मैंने भी गलती की, मुझे मेरे हस्बैंड ने समझाया कि मैं गलत हूँ और मैंने माना। मेरी सासू माँ ने मुझे समझाया कि टीनेजर बच्चों के साथ में कैसे डील करना चाहिए, मैंने वो सीखा। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरा परिवार वैसा नहीं है जैसे कि आपने ट्रस्टी के रूम में पोर्ट्रे किया था। आई एम एक्चुअली सॉरी फॉर यू कि शायद आपके पास में ऐसा गाइडेंस नहीं है, ऐसे फैमिली मेम्बर्स नहीं है। अगर आपको बच्चों को सच में कुछ सिखाना है तो उन्हें सस्पेंड करके तो आप नहीं सिखा सकते हैं। आपको लगता है कि सस्पेंड होने के बाद वो सच में अच्छे सिटीजन्स बन पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। इट्स बेटर कि हम उनके फ्रेंड्स बने। उन्हें फ्रेंड बन के सिखाने में ज़्यादा भलाई है हमारी खुद की। देखिए, एज पेरेंट्स हमें आप पर पूरा विश्वास है, बिकॉज वी नो कि आप हमारे बच्चों के वेलफेयर के लिए ही सोचेंगी। अब आपके ऊपर है। आदि और विनी यहीं खड़े हैं, सॉरी बोल रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उनका फ्यूचर अच्छा करना है या अंधकार में डालना है। आई एग्री विद यू। मुझे अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है। ना ही आदित्य और ना ही विनी, किसी को भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। पापा, मैं आपको रॉन्ग प्रूफ नहीं करना चाहती। बस मेरी गलती की वजह से मैं मेरी फ्रेंड को पनिशमेंट होते हुए भी तो नहीं देख सकती ना। प्लीज पापा, आप गुस्सा मत करो ना। लेकिन मिस्टर जाकर, शट अप यू रमन। तुम मेरी और मेरी बेटी के बीच में ना ही बोलो तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए।
मैं अश्योर करती हूँ तुम्हारे पापा तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाएंगे। इतनी प्यारी बेटी है उनकी, और वैसे भी कोई भी पेरेंट्स हो ज्यादा देर तक अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकते। I'm proud of you. Ma'am, I promise you, I'll not repeat my mistake again. I'm sorry. Yes, ma'am. Me too. Okay. आज स्कूल का फर्स्ट डे है, अब तुम दोनों जाओ और स्कूल की बची हुई क्लास तो अटेंड करो। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. सिर खड़ गए, टांगे पड़ गई, चल गई। जी, मिसेस पल्ला है? हाँ जी, आप आइए, मैं बुलाती हूँ उनको। जी मम्मी जी। और जी, ये आपसे मिलने आई हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम विन्ना चावला है, विन्ना चावला। अच्छा, आप मुझे नहीं जानते? मैं ना बंटी की बिल्डिंग में रहती हूँ, बंटी की बिल्डिंग में। अच्छा अच्छा, मैंने देखा है कई बार आपके बेटे को, रोमी आता रहता है बंटी से मिलने। बड़ा ही हैंडसम मुंडा है जी आपका, इतना गुड लुकिंग, इतना चंगा मुंडा। एक्चुअली जी, बात यह है कि मैं रोमी के लिए मेरी बेटी का रिश्ता लेके आई हूँ। हाँ जी, रोमी के लिए? हाँ जी, बेटी का रिश्ता। आप खड़े क्यों? हाँ जी, नीलू फटाफट चाल है क्या? आईडिया है। जब मुझे पता चला रोमी इतने अच्छे परिवार से है, मैंने सोचा मैं आपसे डायरेक्ट बात ही कर लूं। चंगी कर दीजिए, बैठो बैठो। जी जी। अच्छा, ते तुसी उसी बिल्डिंग च रहते हो जिते ओ बंटी रहता है? हाँ जी हाँ जी। ओ बंटी और रोमी ते बचपन दे लंगोटिया यार है। बड़ा चंगा मुंडा है बंटी। अच्छा, वो मैं ये पूछ रही थी कि आपकी बेटी करती क्या है जी? जी, वो ड्रेस डिजाइनर है, ड्रेस डिजाइनर। ओए गुड गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, माइंड ना करो ते, ओदी उम्र क्या है? 24 साल आदी है, 24। ठीक है ठीक है। अच्छा, शौक किस चीज का है? ओदे सारे शौक ने, खाना बहुत चंगा बनाती है, की सिलाई कर दी, कढ़ाई कर दी। बस तेरे रोमी को ना चंगे चंगे खाने का बहुत शौक है, आलू के परौठे बना लेती है। बहुत ही बढ़िया की बढ़िया बनाती है। भला जी, अगर तुसी, ये जी मेरे हस्बैंड है ओम प्रकाश बल्ला जी। नमस्ते। एक मिनट तुसी बैठो जी, मैं एक मिनट ही चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ये हो गया, की कर रहे हो तुसी? वो रोमी की कंडीशन जानते हो फिर भी ये सब कर रहे हो तुम? अरे जी, मैं क्या किता है, वो तो आप ही आई है रोमी का रिश्ता लेके। चंगा है ना, उसका घर बच जाए, मेरे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और गल सुनो, हुन ना तुसी बीच में बोल के कोई गल खराब नहीं करना, सारा कुछ हो जाएगा हौले हौले। तुसी जी, हम ये बात नहीं छुपा सकते कि रोमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ओ भला जी, तो छुपा कौन रहा है, बाद में बता देंगे ना, अभी तो बात शुरू हुई है। भला जी, कुड़ी को और मुंडे को मिलने तो दो, बात आगे बढ़ने तो दो, और फिर हो सकता है ना भला जी उस कुड़ी को कोई प्रॉब्लम ना हो कि भी बच्चे नहीं हो सकते। देखो ना, बच्चे गोद भी तो लिए जा सकते हैं, और फिर आजकल तो कितने तरीके निकल आए हैं बच्चे पैदा करने के भला जी। लेकिन फिर भी तोशी जी, तुसी बच्चों पूरी ना करो, टंग ना अड़ाओ, सारा कुछ ठीक हो जाना है। जाओ तुसी गर्मा गर्म समोसे तो कचौरियां लेके आओ, मैं अपना काम करन दो, तुसी अपना काम करो जाओ। कमाल है यार, मतलब सारिका को बच्चा हो चुका है और उसका नाम है रोहित भल्ला। That means it's Romy's only child. लेकिन तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आई रोमी से मिलने के लिए? At least उसे बच्चे के लिए तो compromise करना ही चाहिए था। यार कचौरी खाओ। नहीं नहीं, बस बस गर्मा गर्म समोसे खा के तो देखो, बड़े चंगे थे। अच्छा, थोड़ी देरी, थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, आराम ना खाते जाओ। मैं ना आपको बता रही थी कि मेरा जेड़ा बड़ा बेटा है ना रमन भल्ला, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, खुद अपनी कंपनी चला रहा है। हाँ जी, ते छोटा बेटा जेड़ा है ना रोमी, रोमी वो भी बड़ा होशियार है, बड़ा स्मार्ट है मेरा गुरुवार। आप लोग बड़े किस्मत वाले हो, आपके दोनों बेटे, दोनों बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं सच में। रोमी तो बहुत ही हैंडसम, बड़ा ही सोना मुंडा है सच में। लो जी, आ गया मेरा रोमी, तुसी आप ही देख लो। आजा आजा पुत्र, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, हम ना तेरी ही गल्ला कर रहे थी। आजा आजा बैठ जा। नमस्ते कर आंटी नो। बिना आंटी है बंटी की बिल्डिंग में रहती है, बड़ी चंगी है। तेरे लिए ना अपनी बेटी का रिश्ता लेके आई है। Thank you.
शर्मा गया, मुंडा होके भी शर्माता। कोई गल नहीं, होता है होता है। I'm sure आंटी जी आपको मम्मी जी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, सब कुछ बता दिया, बड़ी तारीफ की है तुम्हारी। सब कुछ बता दिया है। आपको मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई। क्या बेटा? हाँ, सारा कुछ बता दिया ना मम्मी जी। एक्चुअली आंटी, कुछ महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। ओह। और उस एक्सीडेंट की वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता। क्या? क्या अभी भी आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहते हैं? मिस्टर पल्ला, आप क्या मुझे बेवकूफ बना रहे थे? आपने तो अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांध दिए थे, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज आपने मुझे नहीं बताई। इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, आपको इतना भी नहीं लगा कि ये वाली बात आप मुझे बताओ? मैं बताने वाली थी विनय जी। ऐ गल नहीं है, देखो तुसी भी माँ हो, एक माँ की परेशानी समझ सकते हो। यकीन मानो, मैंने सोचा था हौले हौले सारा बता दूंगी, फिर बच्चों का क्या है। देखो जी, आजकल तो इतने तरीके होते हैं, बच्चे तो फिर बस। मिस्टर पल्ला, कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। मुझे अपनी बेटी का रिश्ता आपके मुंडे के साथ नहीं करना है। बस जी। और नहीं नहीं, बस यही गल है, बस खत्म बात जी। हद कर दी तोशी जी आपने, मैं समझा रहा था आपको, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। देखा था ना आपने, आपकी इसी नासमझी की वजह से सिम्मी की जिंदगी में कितना बड़ा कांड हो गया, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं। आपको तो अपनी मनमर्जी चलानी है ना। भला जी, मैं तो कुछ नहीं सुनना मुझे। अमन, आपको मिस्टर जाकर से जाना है ना मिलने। आप जाओ मिहिर के साथ, मैं मम्मी जी को देखती हूँ। मम्मी जी, इस सब के पीछे उस अशोक खन्ना का हाथ है। उसने जाकर के कान भरे हमारे अगेंस्ट। He's playing his bloody moves again। क्या कर सकते हैं? कब तक होएगा उसको? अब तो साला खुला सांड है, कुछ भी कर सकता है। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, वो सोचेगा कि हम डर गए। We have to teach him a lesson. We have to do something. You're right। उसे थ्रेटन करने से कुछ नहीं होगा, पर उस कुत्ते को लात नहीं पड़ेगी, सुधरेगा नहीं। भाई, जब से बिजनेस शुरू किया आज तक कितने प्रोफेशनल क्राइसिस डील किए हमने, एंड यू हैव कम आउट ऑफ ऑल ऑफ देम विद फ्लाइंग कलर्स। ये भी डील हो जाएगा। भाई, डोंट वरी। अरे नहीं, इसको लेके नहीं यार, रूमी की टेंशन है। मम्मी इज वेरी वरीड अबाउट हिम यार, उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। अब क्या कर दिया उसने? चल चल, लॉन्ग स्टोरी। चल मनु, क्या मुझे इससे कह दे मैं से बात नहीं करना चाहती। ये बहुत बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता है, इसे कोई जरूरत नहीं है हमारी। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। तो फिर कैसी गल है यार, मैंने क्या गलत किया? मैं माँ हूँ, मेरे अरमान नहीं है कि मेरे बेटे की बरात आए, इसका घर बसे, इसके बच्चे मैं अपनी गोदी में खिलाऊं, मैंने क्या गलती की? आप सही कह रहे हो मम्मी जी, लेकिन हम इस चीज के लिए किसी लड़की की जिंदगी तो नहीं खराब कर सकते है ना। देखो, आपको अच्छी तरह से पता है कि रूमी के साथ प्रॉब्लम क्या है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मम्मी जी, हम सामने वाले से झूठ नहीं बोल सकते, सच तो बताना होगा ना। भाभी सही बोल रही है मम्मी जी, एक बार। हाँ, तेरी भाभी सही कह रही है, तू भी ठीक बोल रहा है, गलत तो सिर्फ मैं हूँ ना इस घर में। मम्मी जी, आपको तो उल्टा नाज होना चाहिए अपने बेटे पे, उसमें कम से कम हिम्मत तो है सच बोलने की। और मम्मी जी, आपकी परवरिश का कमाल है, वरना कोई आसानी से सच नहीं बोल सकता है। यहाँ पर तो पहले टेंशन का माहौल है, समय सारिका के बारे में इन लोगों से बात करना ठीक नहीं रहेगा। मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इशू से ही बात करके क्यों ना देखूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मम्मी जी, आप यकीन मानिए, सल्यूशन निकल कर आएगा। अच्छा निशिता, ये सल्यूशन निकलेगा प्रॉब्लम का? इस परवरिश पे मैं की गर्म करा, इससे भी उल्टा इसका नुकसान ही हो रहा है ना। मम्मी जी, मुझे बस अपनी गलतियों की सजा मिल रही है और कुछ नहीं। सुनो मम्मी जी, आप ही कहते थे ना मुझे हमेशा कि इस जन्म में किए हुए गुनाह की सजा भी इसी जन्म में मिल जाती है, बस मैं वही भुगत रहा हूँ। मम्मी जी, मैंने कितनी लड़कियों का दिल दुखाया है,
इतनी लड़कियों का दिल तोड़ा है, सारिका को साथ भी कितना बुरा किया मैंने। बस मम्मी जी, माता रानी मुझे उसी की सजा दे रही है। प्लीज मम्मी जी, मेरी इन गलतियों की वजह से मैं ये नहीं चाहता कि आपसे भी गलतियां हो जाए। नहीं पुत्र, गलती तो मैं कर बैठी हूँ। मैं भी तो खिलाफ थी तेरी और उसकी शादी के। वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसके अंदर भल्ला परिवार का अंश पल रहा था। वो खुद चल के मेरे पास आई थी, पर मैंने क्या किया, मैंने बड़ा बुरा सलूक किया उसके साथ, उसके बेइज्जती की। अब जिंदगी भर का रोना रह गया हमारे पास। पता नहीं कितनी चली गई वो। मम्मी जी, जो हो चुका है उसके लिए रोने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना। हम लोग बस अपनी कोशिश कर सकते हैं कि सारिका जल्दी से जल्दी मिले और हम सब अपनी अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। प्लीज मम्मी जी, मत रो आप अभी। प्लीज, हम कोशिश करेंगे ना। मम्मी जी की हालत और बिगड़ती जा रही है। आई होप सारिका का कहीं से पता चल जाए। हाँ, मैं रोमी का दोस्त हूँ, लेकिन इस बात के लिए आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? क्या किया क्या मैंने? ये हो क्या रहा है यहाँ पे और किस बात का इंटरव्यूशन चल रहा है यहाँ पे? सारिका और रोमी का क्या कनेक्शन है ये तू मुझे बताएगा? नहीं, मैं सारिका और रोमी के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे मना रहा है? मैंने तेरे बारे में सब इन्फॉर्मेशन पता कर ली है। तू रोमी का इतना खास दोस्त है? हम रोमी को पकड़ के लेके आए हैं। उसे इतना धोया कि वो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है। तो रोमी कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए भी तैयार हो गया। ये कौन सा स्टेटमेंट और कौन सी गवाही की बात है? बोला ना नहीं, बीच में बोलना। चलो सिग्नेचर करवा लेते हैं उसका। जी सर। ये हो क्या रहा है सर? सर प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। पर सर, रोमी तो उसे बता देगा कि हमने उसे कोई सिग्नेचर नहीं ली है। सो व्हाट, तब तक तो ये सब बक देगा और उसके बाद रोमी चाहे जो मर्जी कहे, उसे हमें क्या। अरे ये सब तो तरीके होते हैं सच उगलवाने के। तुम्हें जो नकली लेटर बोला है ना, जाओ उसका बंदोबस्त करो। ओके सर। मैं जानता हूँ ये तरीका सही नहीं है, लेकिन सारिका के साथ जो हुआ वो भी तो ठीक नहीं है। रोमी ने ठीक नहीं किया उसके साथ। इस बंटी ने मुझे काफी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी नहीं है। सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगा। सर, मैंने आपको कहा ना सर, मैंने मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। देख, ये स्टेटमेंट है, इसमें रोमी ने तेरे खिलाफ गवाही दी है। अब तू एक काम कर, तू अपने घर में फोन करके ये बता दे कि तू लंबे के लिए अंदर जाने वाला है। बिचारी उसका क्या दोष है? वो बिचारी खामखा फंस जाएगी, क्योंकि ये केस पता नहीं कितने साल चलेगा। ये देख, ये सारिका है, मिसिंग है, और मैं मुझे पक्की खबर मिली है कि तेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। तो या तो तू मुझे बता दे कि रोमी और सारिका का क्या कनेक्शन है, वरना जेल जा। सर, सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं आपको, लेकिन मुझे ये जेल। साहब तो घर पे नहीं, वो आश्रम गए। अशोक आश्रम क्यों जा रहा है? स्ट्रेंज। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, चल। मासूम चेहरे पर अशोक और अनुराधा सिंह, उसमें तीन जाने तो है नहीं, ये जरूर वहां कोई कांड करेगा। We need to find out. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।